गया और फाइनली वो दिन आ गया यार जिस दिन का इंतजार था। मैराथन रेस स्टार्ट होने वाली है कुछ ही पल में। वकार हाशमी भी तैयार हो गए, मेरे ख्याल से तैयारी तो इन्होंने इस तरह पकड़ ली है जैसे रेस में ये भी दौड़ने वाले हैं, कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब आवाम आ रही है और अभी जो है ना इनके इनको नंबर शंबर दिए जाएंगे, उसके बाद इनको लाइन में। हाशमी साहब जो है ना फुल 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 फॉर्म में आवाम को संभालते हुए, आवाम जमा हो गई है लड़के दौड़ने के लिए, पागलों की तरह दौड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो प्राइजेस हैं वो उनकी तरतीब कर रहे हैं और देखते हैं कौन इसको विन करेगा, कौन पहुंचता है। फर्स्ट प्राइज यार। अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और फाइनली वो दिन आ गया यार जिस दिन का इंतजार था। मैराथन रेस स्टार्ट होने वाली है कुछ ही पल में और हम इस टाइम बाग मेन ब्रिज में और ब्रिज को फुल स्टॉप करके खड़े हुए हैं और आवाम जो है ना तैयार हो रही है फुल जो रेस वाले, और वकार हाशमी भी तैयार हो गए, मेरे ख्याल से तैयारी तो इन्होंने इस तरह पकड़ ली है जैसे रेस में ये भी दौड़ने वाले हैं, कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है। और आवाम जो है ना फुल तैयार हो गई है तो फाइनली यार वो दिन आ ही गया। हाशमी साहब आप भी मुझे लगता है रेस में दौड़ने लगे हो यार। यार मैं दौड़ूंगा तो मुझे एम्बुलेंस सिर्फ मुझे ही उठाएगी। तो आवाम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और दौड़ने के लिए ये देखो ये बच्चे बच्चे ये जरा इनसे यार ये सभी विनर है यार, इनसे भी पूछते हैं यार सब तैयार हो यार, प्राइज कौन लेके जाएगा फिर इसका नहीं पता यार, अभी देखते हैं। 3.5 किलोमीटर की रेस है और देखते हैं एम्बुलेंस में कौन जाएगा और प्राइज कौन लेके जाएगा, ये चीज भी चेक करते हैं। आवाम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हाशमी जी आ रही है और बड़ी तादाद होने वाली है, मुझे यही लग रहा है। फॉर्म जो है ना और भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और हमारे हमजा भाई यूट्यूबर आप भी मेरे ख्याल से दौड़ेंगे, मुझे लगता है यार ये एम्बुलेंस में जाएगा वापस यार, प्राइस राइस लेके जाओगे एम्बुलेंस में प्राइस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो है ना आज की बड़े मजेदार होने वाली है, बहुत ही हैवी और एंड वीडियो होने वाली है, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और आज जो है ना सारी रेस के मामलात सब कुछ, रेस विन कौन करेगा, कितनी लंबी रेस है, कौन कितनी आवाम है, सब आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। तैयारी शारी हो रही है जी, सारन तैयारी निज़ाम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, इसके बाद रेस का निज़ाम करेंगे ओके, और सारे आपको निज़ाम बताएंगे। अभी जो है ना रोड को करने लगे हम ब्लॉक, आवाम इकट्ठी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता सब आवाम आ रही है और अभी जो है ना इनके इनको नंबर शंबर दिए जाएंगे, उसके बाद इनको लाइन में बनाएंगे फिर रेस स्टार्ट होगी। चेक करो मैराथन बाग आज़ाद कश्मीर जिसका इंतज़ार था, फाइनली वो चीज़ जगह वो टाइम आ गया और आवाम जो है ना जमे फिर आवाम का जो है ना आए जा रहे आए जा रहे, अभी भी एंट्री हो ही जा रही है और आगे की सीन आपको दिखाते हैं, बड़ा शुगल होने वाला है। सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो रही है क्योंकि आवाम बहुत आ गई है, संभालना मुश्किल हो रहा है और सबको चेस्ट नंबर लगा के थप्पा लगा के और आगे आगे भेज रहे हैं और आगे जो है ना रेस वाली सारी आवाम जो है आगे, आगे से स्टार्ट होगी, ऐसा भी तरतीब हो रही है। एम्बुलेंस भी पहुंच गई है, एम्बुलेंस वाला भी सीन है, फुल हैवी वाली रेस होने वाली है और रेस आपको भी दिखाते हैं आगे कश्मीर में पहली दफा। हाशमी साहब जो है ना माइक हाशमी साहब जो है ना फुल 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 फॉर्म में आवाम को संभालते हुए, सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है, आवाम बहुत है, एम्बुलेंस भी आ गई, पुलिस वुलिस भी आ गई है यार, आवाम जो है ना आवाम को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आवाम बहुत हो गई है क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा फंक्शन हो रहा है, ऐसी कोई ऐसा कोई इवेंट हो रहा है और आवाम को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आवाम जो है ना जाए जा रही है और आगे के निज़ाम भी आपके साथ शेयर करते हैं। आवाम का जो है ना आवाम ही आवाम जमा हो गई है लड़के दौड़ने के लिए, पागलों की तरह दौड़ने के लिए तैयार हैं और अभी सेटिंग शूटिंग करके और रेस को स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे यार कि कौन मंजिल तक पहुँचता है और कौन ड्रॉप हो जाता है। गाड़ी में सर चढ़े आप सर, आप से साइड पे हो जाए यार, क्या नाम क्या
हो, भागो 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 भाग भाग सुबाने भाग। वो इस्लामाबाद से आया, तू यहाँ क्या चल दिया? अब ले लेंगे जेके। ये बहुत आला बहुत आला। भागो क्या हो गया? भागना क्या कर रहे हैं? ये थोड़ा सा ही आगे, ये थोड़ा सा आगे, पानी के साथ से गुजरे तेज तेज। आगे यार, जल्दी चलो, जल्दी चलो, यहाँ पे रखते ना, देखते हैं यहाँ पे कौन है। Thank you.
बंदा मेरे ख्याल से वो दौड़ रहा है रेस को विन करने के लिए, पर अभी देखते हैं विन करेगा या नहीं करेगा। प्राइज फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज। या ये विनर यार, ये विनर फाइनली मैराथन रेस। सेकंड वो आ गया, उमर के पीछे की पसंद है। आई ग्राम में ले पांच से ग्रैबी कर ली। ये लो सेकंड अभी तो ये दोनों भाई जो हैं, एक ने इसको तो मुझे फर्स्ट और ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। ये दोनों हमारे गेस्ट हैं। रिबन 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 पकड़ो। डुडियाल वाला पहले नंबर पे बहुत मान है। दो विनर तो हमारे पहुंच गए माशाल्लाह से। एक ये भाई विनर और ये थर्ड 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 बस फुल फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म में। ये पहली दस पोजिशन लिख ली। रिबन पकड़ो जल्दी करो। सिक्स वेल डन यार, वेल डन। ये छठे नंबर पे नाम लिखे। छह बंदे तो पता नहीं किस तरह पहुंच गए, बाकी आवाम पीछे ही है। बाकी आवाम किधर है यार? तीस किलोमीटर वो छह बंदे तो आ गए और बाकी आवाम जो है ना वो पीछे से आ रही है। देखो सही लगा। ए चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। आलो बराबर। वो भी आए। एक और ये वाह जबरदस्त जबरदस्त। कितनी होगी? दस हो गई है मेरे ख्याल से। दस हो गई है मेरे ख्याल से। हाँ हो गई है, हो गई। जबरदस्त यार जबरदस्त। आवाम जो है ना जो पहले नंबर वाले थे वो तो पहुंच गए, बाकी आवाम आए जा रही है, आए जा रही है। और चेक करें जी यार प्रिपरेशन वाले बने हैं ना, खुद हम रेस में हिस्सा लेते तो हम ही जीत जाते, लेकिन यार हाँ मौका दे देते आवाम को भी जीतने का, इस वजह से हमने नहीं लिया खुद हिस्सा। हम लेते तो फिर टॉप पे हम ही होते। जो पहुंच गई है आवाम उसकी प्राइजेस का भी निजाम करते हैं। ये दो हम बैठे थे, ये साथ में ना माशाल्लाह गुड, आप आगे जा सकते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, लेकिन इधर के लोगों का मैं राज्य ये बताएं जो है इस्लामाबाद वो सीधा इलाका है, कश्मीर का जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, इसमें आपको बहुत सारी जगहों पे आपको मुश्किल भी पेश आई, इससे आपको कुछ फर्क तो नहीं पड़ा यार? देखें आपको पता ही होगा हर इन्वायरमेंट के लिहाज से इधर जो है पहाड़ी इलाका है हमारा इस्लामाबाद है बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इधर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है, जो कि पहाड़ी इलाके मैंने फर्स्ट टाइम रनिंग किया, तो माशाल्लाह फिर भी मैंने अपने आप को बैकअप किया
और लोगों ने मुझे बैकअप दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अपनी कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्रीमियर कंपनी मुझे बैकअप देती है, मुझे अफोर्ड कर, मेरी हर तरह के मामला को अफोर्ड करती है। तो मैं उनके उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। प्रीमियर कंपनी ब्रांच है फ्रॉम पिंडी। तो आज के लोगों के लिए और इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एसएच कराटे क्लब के जो ऑनर हैं? सर माशाल्लाह से देखें, मेरे टीचर कहते हैं जिधर खेलों के खिलाफ बात हो जाए उधर हॉस्पिटल ख़त्म हो जाते हैं। तो माशाल्लाह सर को बहुत ज़्यादा मैं राजी नहीं पेश करता हूँ। यहाँ के लोगों को जो सर के साथ ये भाई हमारे जो है ना फर्स्ट पोजीशन ब्रो, वल्ला यार वल्ला छा गए हो वल्ला यार, ये जो आपने हिम्मत दिखाई है वल्ला कोई भी नहीं कर सकता। हमने सोचा एक घंटा लगेगा हमको पहुंचते हुए, लेकिन ये भाई इतने जल्दी, राशमी साहब इतने जल्दी पहुंच गया, हमें भी यकीन नहीं था यार। मुझे डाउट हो रहा था यार किस तरह पहुंच गया यार, वल्ला भी डाउट है यार। सेकंड पोजीशन पे बस ये आपकी दुआ, ये फर्स्ट है यार ब्रो, ये करो यार। ये बहुत पीछे थे, इतने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिकल ब्रो दिमाग यूज किया आपने, क्या किस तरह यार इस रेस को विन किया आपने यार। इस फील्ड में तकरीबन मुझे 5वां साल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर चैंपियन माशाल्लाह यार। लाहौर कोटा कराची और हर इलाके में खेल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 23 तारीख को 23 अगस्त को मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया यार माशाल्लाह यार, जबरदस्त यार जबरदस्त यार। मेरी प्राइमरी रेस थी 14 किलोमीटर, वहाँ से मैं फर्स्ट होके आया हूँ। मतलब उधर से भी फर्स्ट इधर भी फर्स्ट यार, आप तो चाह गए मतलब ब्रो क्या टेक्निक यूज किया यार, कुछ आवाम को बताओ। मैंने नाम रोशन करना था। जबरदस्त आपने रोशन कर दिया यार, टेक्निक यूज करते हो मतलब यार देखो कुछ आवाम को बताओ कि यार आवाम भी आपसे कुछ सीखे यार। पहले भी सुबह सुबह आया था, सब लड़कों को यही कहा था बच्चे ये देख लें कि चढ़ाई बहुत है, मैं ट्रैक देख के तकरीबन आपकी 1 किलोमीटर से तकरीबन 100 किलोमीटर है आपकी चढ़ाई। सब ने दिमाग लगा के रखे, मैं जोर नहीं लगाना है, मैं सुबह जिस तरह रेस स्टार्ट हो रही थी सबका मैं देख रहा था, इस तरह भाग रहे मैंने कहा यार आप पहले लेंगे, जिस तरह आप कही हमेशा होता है जज्बात होते हैं। सही बात, हम भी पहले शुरू शुरू में यही होते थे यार बस हम ही जीते हैं, बस ये चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, ये हर कोई कहते हैं कि मैं जीतूं। तो बस अल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे, बस आपकी दुआएं। मतलब पहले आपने दिमाग यूज किया, सबको आपने आगे किया आप जीत जाओ आप जीत जाओ, फिर आपने एकदम फॉर्म ये इस्तेमाल करना था, मैंने देखना चाहता था कि कौन किस तरह से खेल रहा है। पहले आपने सबको चेक किया और फिर आपने सबको अपना दिखाया पीछे छोड़ दिया यार। मुबारक हो आपको बहुत बहुत, फर्स्ट पोजीशन वाले और ये भाई 8 पोजीशन वाले हमारे ब्रो, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? 400 बच्चों का एक्सपीरियंस तो ये था कि बस ये जो लड़के हैं शुरू पे बहुत तेज भागे, सेकंड वाले को हम आगे आस्ता आस्ता शुरू पे थोड़ा हमने कम की थी क्योंकि शुरू पे बहुत ज्यादा चढ़ाई थी, तो वहाँ पे अगर हम तेज आ जाते तो फिर आगे हमें पता था कि हम रह जाएंगे, इसी वजह से वहाँ पे स्टार्टिंग में हमने आस्ता आस्ता आए ऊपर तक आस्ता है, जहाँ पे चढ़ाई खत्म हुई वहाँ पे हमने देखा कि अभी काफी लोग पीछे, तब आपने हमने फिर आगे तो हम आगे आगे। यार बहुत बड़ी बात है यार, आपने इतने 400 बच्चों में 8 पोजीशन लिए, आपके बहुत बड़ी बात है यार। तो बच्चे थोड़े छोटे तो नहीं थे ना, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, फिर हमने तो फिर भी आपने उनको यार माशाल्लाह से अच्छा किया, आपने पहले फर्स्ट 10 पोजीशन में आप 8 पोजीशन में आए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार, कांग्रेचुलेशंस। और थर्ड पोजीशन वाले हमारे भाई ब्रो यार, आपको देख के तो नहीं लगता यार वल्ला आप किस तरह थर्ड पोजीशन आ गए यार, क्या दिमाग यूज किया है? कुछ भी नहीं, बस दौड़ता गया हूं, पहले से थे दौड़ा, पहले मैं फर्स्ट नंबर पे था, दो भाई आगे चले गए, फिर मैं थर्ड पे आ गए, 5 आगे हो गए थे, बड़ी मुश्किल से थर्ड पे आ गए यार। 400 बच्चों में से आपने थर्ड पोजीशन आए वल्ला आपके लिए बहुत यार बहुत बड़ी बात है यार, बहुत मेहनत की आपने वल्ला। तो ये थर्ड पोजीशन वाले भाई हमारे और हमजा भाई यार, आप हमजा भाई हम तो कह रहे थे यार आप ही विन हो गए यार, किधर रह गए थे आप यार, क्या रास्ते में क्या हो गया था यार आपके साथ? रास्ते में थकावट हो गई थी यार, ये थकावट हमजा भाई चलो एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट टाइम हो गया, फर्स्ट हाँ पहली फर्स्ट आई थी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमजा भाई टॉप पे होंगे। तो बाकी आवाम शवाम सारी यार आ गई है और इंटरव्यू भी हो रहे हैं और हनुमान भाई हमारे 7th पोजीशन में यार, 400 बच्चों में 7th पोजीशन में यार, मुबारक हो आपको बहुत बहुत यार, मेहनत फिर भी की है आपने बहुत जबरदस्त यार जबरदस्त। और आवाम बाकी भी पहुंच गई आहिस्ता आहिस्ता, कुछ लोग अभी भी भागते भागते पहुंच रहे हैं। तकरीबन फर्स्ट पोजीशन वाले को आधा घंटा हो गया तकरीबन और बच्चे अभी तक आवाम आ रही है, चेक करो अभी तक आवाम आ रही है यार, मैं खुद हैरान हूँ इतने जल्दी कैसे पहुँच गए यार बंदे यार, अभी तक आवाम आ रही है। हमारे सेकंड पोजीशन वाले यार, सेकंड पोजीशन वाले भाई ब्रो वल्ला मुबारक हो यार बहुत बहुत, आपका इंटरव्यू सुना है मैंने, रिकॉर्ड भी किया यार, दिमाग यूज़ किया आपने, मेहनत की है और हमारे लिए यार बहुत बड़ी बात है यार आपने पोजीशन ली है।
यार पोजीशन होल्डर्स को प्राइस शराइस सारा कुछ रख रहे हैं, पोजीशन पोजीशन लिख रहे हैं लड़कों के नाम पे वगैरह चेक करते हुए प्राइजेस पे देंगे यार। प्राइजेस मेडल भी है, कैश भी है, मेडल भी है। इमरान जिनकी एज तकरीबन 30 के लगभग है, उसपे पार्टिसिपेट किया और भरपूर मुकाबला किया। हम मिलते हैं कि हमारी एज सबसे ज्यादा है, वो जरा आपने आईडी कार्ड मेरे पास दीजिए। और जो सबसे छोटा नना एथलीट था जिसकी उम्र सबसे कम हो, वो भी आगे आए और बताए कि मैं कितनी साल की हूँ। 10 साल। 10 साल से कोई छोटा है? रशीद साहब 73, आप हैं, आपको मुबारक हो जी, आप भी सिलेक्ट हुए। इनके लिए तालियां बजाएं। और वो नन्ना मजाक जो 10 साल का है, क्या नाम है आपका? आप पूरा रास्ता दौड़ते हुए आए या बाइक पे भी आए? बाइक पे आए। चलो इनके लिए तालियां। वेरी गुड, इनके लिए एक सैल्यूट देंगे क्योंकि ये सच्चे हैं। सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि यार अभी प्राइजेस वगैरह अनाउंस होंगे। पोजीशन तो हमने आपको बता दी है, फर्स्ट पोजीशन वाले को 15,000 और प्लस गोल्ड मेडल इस तरह का, और सेकंड वाले को 10,000 और प्लस सिल्वर मेडल, और थर्ड वाले को ब्राउन मेडल और 5,000। ये मतलब प्राइजेस हैं, और अभी प्राइजेस अनाउंस होने में देर है और धूप बहुत तेज़ी है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस धूप में अगर थोड़ी देर हम रहे तो हालात हो जाएंगे टाइट, और इस वजह से यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकल के फिर आगे के सीन्स। पोजीशन यार ब्रो आशमी साहब बता दिया है ना यार, कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे में है, कौन तीसरे में। बहुत मुश्किल रास्ता था, और पोजीशन के लिए जो है ना, दिल से पोजीशन ना दिखाई तो ना सही यार। अभी फिलहाल छोड़ो पोजीशंस को, तो अभी चलते हैं और आगे के। आज का जो यार रेस का निज़ाम था वो यही था, और अभी हम निकलते हैं इधर से।